बस एक बात हम लोगों को बस बता दे, क्योंकि बहुत ऐसा नया स्टूडेंट है, यदि सपोज करो कोई गाड़ी है और ये इधर ये चल रही है, इस गाड़ी को रोकना है, इस गाड़ी को क्या करना है, रोकना है, तो क्या ब्रेक अप्लाई करेंगे? ब्रेक अप्लाई करेंगे। जब ब्रेक अप्लाई करेंगे ना, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, धीरे 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 कम होना शुरू होगा और जाकर ये जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्सेलरेट स्पीड यहाँ है, तो स्पीड इस डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन को इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, दैट मींस फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। गाड़ी इधर, तो गाड़ी इधर चल रही है, इसको रोकना है तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी रुकेगा, ठीक है। तो एक्चुअली फोर्स, ये फोर्स और फोर्स और एक्सेलरेशन बहुत समान चीज है, बात समझ में आया, ये क्लियर है यहाँ पे। तो यदि हम बोलेंगे यहाँ पे, मानो सपोज करो दिस इज अ पॉजिटिव डायरेक्शन एंड दिस इज दी नेगेटिव डायरेक्शन, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, और एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है। क्लियर है यहाँ तक? ये क्लियर है, ठीक है। तो चलो ये क्लियर है, तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक बार बताओ, ठीक है, देखो तो ये हमारा धरती है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि धरती का मास क्या है, मास ऑफ ई, ठीक है। एम ई क्या है, मास ऑफ अर्थ है। हम पहले ग्रेविटी को डिफाइन करना चाह रहे हैं, ग्रेविटी क्या चीज है और ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के द्वारा एक्सेलरेशन जो है, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल गो फर्दर, ठीक। तो ये धरती है, सपोज करो कि धरती पे कोई ट्री है ऐसा, ठीक है, यहाँ पे लटकल है आम, ठीक। अब इस आम का कुछ मास होगा, मास बोलते हैं मास ऑफ ये एम है, ठीक है। और मान लेते हैं कि ये यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस है ये आर ई, और ये कुछ डिस्टेंस है मान लेते हैं आर, ठीक। तो न्यूटन बाबा बचपन में पढ़े होंगे तुम लोग कि दो मास होता था, ये दो मास, ये मास m1 है और ये मास m2 है, दोनों के बीच में दूरी r है, तो इसमें लगने वाला फोर्स का वैल्यू होता था g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, क्लास 9 में पढ़े हो, ठीक। तो यहाँ पे भी देखो दो ऑब्जेक्ट, एक है तुम्हारा क्या धरती और एक है तुम्हारा क्या आम, ठीक है। ये आम है, आम का मौसम चल रहा है, ठीक। तो इन दोनों के बीच में भी क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों के बीच में ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं, तो एफ इक्वल्स टू क्या लगाएंगे बताओ, ये हो गया तुम्हारा जी, जी क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, जी क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, इसको यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, यहाँ एयर हो, वैक्यूम हो, पानी हो, पहाड़ हो, पत्थर हो, कुछ भी हो, ठीक है, इन दोनों के बीच में वैल्यू सेम रहेगा, वैल्यू चेंज नहीं करेगा, ठीक। इसीलिए इसका नाम यूनिवर्सल कांस्टेंट है, सभी जगह सेम कांस्टेंट, ठीक। चलो तो जी होगा यहाँ पे, और ये देखो ये यहाँ मास ऑफ ये m1 मान लेते हैं, दिस इज m1, तो m1 क्या है तुम्हारा मास ऑफ अर्थ है, और m2 तुम्हारा क्या है यहाँ पे मास ऑफ एप्पल है या आम है। तो ये क्या, मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ आम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच का, आर ई प्लस आर, आर ई प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है। जो तुम्हारा रेडियस ऑफ द अर्थ है, आर ई क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ, आर ई क्या है तुम्हारा रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ जो है आर ई जो तुम्हारा है वो बहुत बड़ा बड़ा बहुत बड़ा है, किससे, ये आर से, ये लगभग कितना है 6400 किलोमीटर है, और ये कितना होगा मतलब 1 मीटर 2 मीटर 10 मीटर 50 मीटर, तो 6400 किलोमीटर के सामने 10 मीटर 50 मीटर बहुत छोटा है, इसीलिए क्या करेंगे कि आर ई आर को जो है इसको नेगलेक्ट कर देंगे, सो क्या कर देते हैं नेगलेक्ट। लेकिन यदि आर बहुत बड़ा हो जाए तब नेगलेक्ट नहीं करेंगे, तब नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन आर छोटा है तो नेगलेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये बहुत बहुत छोटा है, ये जो आर ई रेडियस ऑफ अर्थ है वो क्या है इन किलोमीटर्स में है 6400 किलोमीटर, और ये रेडियस जो है ये जो तुम्हारा डिस्टेंस है सरफेस से आम तक का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, इसलिए आर को नेगलेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक। यहाँ से नेगलेक्ट करेंगे तो यहाँ क्या होगा बताओ, जी ये मास ऑफ अर्थ और नीचे में आर ई स्क्वायर, यहाँ पे एम,
देखो जी है कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है और आर भी कांस्टेंट है, सबका वैल्यू क्या है फिक्स है। सबका वैल्यू पुट करोगे तो वो आएगा लगभग 9 पॉइंट। यदि तुम यहाँ पे पुट करोगे, यहाँ पे क्लियर है पहले बताओ, यहाँ पे पहले क्लियर है, यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे क्लियर है। तुमको क्या नाम है तुम्हारा? श्रुति। हाँ ठीक, चलो तो हम क्या बोले कि फोर्स जो है हमारा क्या है, जी एम ई एम अपॉन आर ई का स्क्वायर। ठीक, चलो यहाँ फोर्स जो है, यहाँ पे ये फोर्स हम न्यूटन का सेकेंड लॉ जानते हैं। सेकेंड लॉ क्या बोलता है? फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, जब मास कांस्टेंट हो, यहाँ मास क्या है? कांस्टेंट। कोई दिक्कत? न्यूटन का सेकेंड लॉ बोलता है फोर्स जो है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। क्लास 8-9 में पढ़े होंगे। ठीक, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जान रहे हो, तुम नहीं जान रहे हो तो जान लो अभी। फोर्स क्या हो गया? मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ हो गया जी एम ई एम अपॉन आर ई का स्क्वायर। दो यहाँ से मास मास कट गया तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया क्या? जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। ठीक है, इसी एक्सेलरेशन का नाम दिया क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, दैट मीन्स क्या हुआ कि धरती हमारा है और ये यहाँ पे है मास, आम है या जो भी है, वो नीचे जाएगा किससे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से जाएगा, जिसका वैल्यू क्या होगा? जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। ठीक, एक बार बताओ कि यहां पे जो जी है, जी एम ई और आर ई, क्या कभी चेंज होगा? नहीं होगा, ऑलवेज कांस्टेंट होगा, ऑलवेज कांस्टेंट। तो इसका प्रोडक्ट और डिवाइड भी तो कांस्टेंट ही होगा ना। तो इसको यदि सॉल्व करते हैं, ये जो ए है ये क्या होगा? तुम्हारा कांस्टेंट होगा। क्लियर है बात? ये तुम्हारा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। दैट मीन्स क्या, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा बॉडी का कुछ भी मास हो, एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इसका मतलब छत है, छत से हाथी भाई गिरे या पोपटलाल गिरे, कौन पहले गिरेगा? छत, छत से कूद गया हाथी भाई। तारक मेहता देखता है? तारक मेहता नहीं देखा? तारक मेहता, उसमें दो करेक्टर, एक हाथी है डॉक्टर हाथी और एक है पोपटलाल। पोपटलाल बहुत पतला दुबला है, हाथी भाई एकदम बड़ा मोटा है। तो दोनों छत से कूदा तो पहले कौन गिरेगा? हाँ सेम गिरेगा, तो क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट है। नहीं, जल्दी नहीं गिरेगा, वो सेम गिरेगा। ठीक, यही तो बता रहे हैं कि एक्सेलरेशन जो होगा कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन जो है, यहाँ देखो क्या एक्सेलरेशन बॉडी का मास, यहाँ देखो ये एक्सेलरेशन में आम का मास है यहाँ पे, नहीं ना है? तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का कुछ भी मास हो उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट भारी हो या हल्का हो दोनों एक साथ ही गिरेगा। ठीक है, तुम देख सकते हैं ना, देखो ये दोनों जो है ना, ये दोनों अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मास का है, लेकिन जब दोनों को एक साथ छोड़ना, दोगे एक साथ गिरा एक साथ, दोनों का मास डिफरेंट डिफरेंट था लेकिन दोनों एक साथ ही गिरेगा, क्योंकि यहाँ पे मैथमेटिकली वो पता चल रहा है कि भाई साहब एक्सेलरेशन जो है मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है? डिपेंड नहीं कर रहा है मास पे। क्लियर है? इसी जो ये एक्सेलरेशन, इसी का नाम दे दिए थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए, बोल दिए इसको जी। क्या बोल दिए? जी। जी बस सिंबल है। ठीक है, इसी ए को लिख दिए जी। जी का मतलब क्या हो गया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी क्या है? एक्सेलरेशन है। जी क्या है? एक्सेलरेशन है। ठीक, और ये कितना आता है? ये कांस्टेंट है ना, इसका वैल्यू आता है सॉल्व करने पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत? ठीक है, यही बात बताए, क्या बताए? सिंपली ये दिस इज अर्थ और ये हमारा ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा जी से, और जो कितना होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत? नीचे फोर्स क्या लगता है? फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? जी। ठीक, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं वेट। क्या बोलते हैं? वेट। हम लोग बाद में डिफाइन करेंगे वेट, वेट क्या होता है,
वेट बेसिकली क्या है, यह फोर्स है जो अर्थ लगा रहा है ऑब्जेक्ट पे। ठीक, दो एक बार बताओ, ये मान लो 50 केजी का और ये है मान लेते हैं आधा केजी का, दोनों एक साथ गिरेगा। ठीक है, इस पे फोर्स मान लेते हैं कि F1 लग रहा है, इस पे फोर्स F2 लग रहा है, तो बताओ F1 बड़ा होगा कि F2 बड़ा होगा कि दोनों बराबर होगा? बराबर होगा। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, पहला देखो, पहला F1 के बारे में बात कर रहे हैं, मास कितना है 50, एक्सेलरेशन कितना है 9, तो मान लेते 10, 9.8 to 10 मान रहे हैं अप्रोक्स। ठीक, 500 आया। F2 बताओ, मास कितना है, हाफ इंटू 10 कितना है 5 न्यूटन, बराबर है? बराबर है नहीं, यहाँ पे फोर्स ज्यादा लग रहा है, यहाँ पे फोर्स कम लग रहा है। फोर्स दोनों का डिफरेंट है लेकिन एक्सेलरेशन दोनों का सेम है। बात समझ में आया? फोर्स डिफरेंट है, दोनों पर लगने वाला वेट डिफरेंट होगा, नहीं तो यदि वेट सेम हो जाए सबका तो सबका दिखाएगा 5 केजी, कोई भी चलेगा वेइंग मशीन में सबका सेम ही वेट दिखाएगा। सेम दिखाता है नहीं दिखाता है? इट मीन्स कि ऑब्जेक्ट का वेट तो वैसे डिपेंड करेगा मास पे लेकिन उसका एक्सेलरेशन डिपेंड नहीं करेगा। बात समझ में आया? इस चीज को बहुत अच्छे से और क्लियर करेंगे, इनर्शिया कंसेप्ट है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन नहीं पढ़े हैं, इनर्शिया नहीं पढ़े हैं, तो इसीलिए इस चीज को फॉर टाइम भी हम स्टॉप कर रहे हैं, नहीं पढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि मेरा तो यहाँ पे टास्क है, क्या टास्क है, क्या पढ़ना है, काइनेमेटिक्स, और काइनेमेटिक्स में हम फोर्स का डिस्कशन नहीं करते हैं, काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ डिस्कशन करते हैं मोशन का, विदाउट नोइंग द काउज ऑफ द मोशन, मोशन के पीछे क्या रीजन है उसको जानने की कोशिश नहीं करते हैं। फोर्स ऑब्वियसली रीजन है मोशन के पीछे लेकिन फोर्स को स्टडी नहीं करते हम, उसे बता दिए बाय द वे, बट हम लोग फोर्स, हमको बस एक्सेलरेशन बताना था। ये समझ में आ गया जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, बस इतना समझ में आ गया। चलो अब अपना टॉपिक शुरू करते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी के अंदर मोशन की बात करेंगे। दैट मीन्स ठीक है, दैट मीन्स क्या हो गया, सपोज करो कि ऐसा बोलिए, बोल है ये बोल है, ठीक, इसको ऊपर फेंके यू से, तो ये ऊपर जाएगा और झगड़े गिर जाएगा, होगा ना? ठीक, तो अब देखो जब ये बॉडी, जब ऑब्जेक्ट यहां पे देखो, जब ये ऊपर जा रहा था तो क्या इसका स्पीड कम हो रहा था? जब तुम एक किसी स्टोन या पत्थर को ऊपर फेंकते हो तो जैसे उसे ऊपर जाता है स्पीड कम होता है उसका, किस स्पीड बढ़ते जाता है, हैं? घटता है, तो बढ़ेगा तो भाग जाएगा बाहर, उसका स्पीड घट रहा है। अभी जस्ट बताएं, यदि कोई गाड़ी है और यदि ये इधर बढ़ रहा है, इसका स्पीड को कम करना है, रोकना है, तो इसके अपोजिट यहाँ पे एक्सेलरेशन लगाना पड़ेगा। ऑब्वियसली तुम यहाँ पे देख भी रहे हो कि ग्रेविटी जो है हमेशा किधर लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ग्रेविटी तुम्हारा ऐसे लग रहा है, दैट मींस एक्सेलरेशन तुम्हारा अपोजिट है वेलोसिटी का। जब एक्सेलरेशन अपोजिट हो वेलोसिटी का, दैट मींस योर स्पीड क्या होगा, विद टाइम डिक्रीज करेगा, और एक ऐसा समय आएगा जिसका स्पीड इसका क्या जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है श्रुति? समय के साथ इसका स्पीड घटेगा, क्यों घटेगा, क्योंकि देखो जा इधर रहा है लेकिन धरती इसको नीचे खींच रहा है, धरती इसको नीचे खींच रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि एक ऊपर लग रहा है तुम्हारा फोर्स और एक नीचे लग रहा है, तो नीचे लगने के कारण क्या हुआ, धीरे धीरे इसका फोर्स ऊपर धीरे धीरे कम होता जाएगा और रुक जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो मतलब ये बॉल यहाँ पे होगा, ठीक है, तो इसका स्पीड कुछ होगा और यहाँ पे आकर के बॉल रुक गया होगा, यहाँ वेलोसिटी जीरो हो गया होगा, और जहां पे रुक गया, यहाँ वेलोसिटी जीरो, दैट मींस ये रुक गया, रेस्ट आ गया, ये क्या हो गया यहाँ पे रेस्ट, तो अब वहीं से वो गिरना शुरू हो जाएगा, वो वहीं से अब गिरना शुरू होगा। पहले देखो, पहले ये ऊपर गया, ये ऊपर गया, धीरे धीरे स्पीड कम हुआ कम हुआ कम हुआ, रुक गया, फिर अब नीचे गिरेगा, ऐसे ऐसे ही होगा ना, ऐसे दो ऐसे गया, तो जो जैसे ऐसे जा रहा था यहां पे रुक गया, ऐसे फेंके तो जैसे ऐसे फेंके तो यहां गया, यहां रुक गया, फिर अब वो नीचे आ गया, तो जहां रुक गया वहां पे क्या वेलोसिटी जीरो, और जैसे जैसे जा रहा है एक्सेलरेशन हमेशा नीचे लग रहा है, तो एक्सेलरेशन हमेशा नीचे लग रहा है, मतलब ग्रेविटी जी जो है नीचे लग रहा है, ऊपर स्पीड है तुम्हारा, तो ऑब्वियसली यदि दोनों अपोजिट है तो इसका स्पीड घटेगा।
अब देखो जब वापस आ रहा था उस समय सिनेरियो देखो, तो नीचे क्या लग रहा था जी, और वो तो ऐसे गिर रहा है ना, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, नीचे ही है, तो दोनों डायरेक्शन है, इसका स्पीड इसका एकदम बढ़ते जाएगा। इसे तुम देखे होगे जब झूला से नीचे गिरते हो, जैसे जैसे तुम नीचे आने शुरू करते हो स्पीड तुम्हारा बढ़ते जाता है, बढ़ता है ना, या तुम छत से कूदो, समय के साथ तुम्हारा क्या स्पीड बढ़ेगा। एक्सेलरेशन का काम ही क्या है, नीचे एक्सेलरेशन लगा रहा है, एक्सेलरेशन का काम क्या है कि भाई समय के साथ तुम्हारा स्पीड क्या करे, इंक्रीज करे। बात समझ में आ रहा है? तो ये दोनों बात क्लियर हो गया, ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या किया है, वो सिंपल बॉडी को अंडर द ग्रेविटी थ्रो किया है, ये ऊपर गया है, जब तक ऊपर जा रहा था तो स्पीड कम हो रहा था, एक पर्टिकुलर टाइम पे जाकर ये स्पीड जीरो हो गया, फिर अब जहां जीरो हो गया वहां से वो वापस आने लगेगा, और जैसे जैसे वापस आया स्पीड बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेलोसिटी डायरेक्शन क्या है, सेम है, और डायरेक्शन सेम होगा तो स्पीड इंक्रीज करेगा। कल बताए थे स्पीडिंग एंड स्पीडिंग डाउन का कंसेप्ट, स्पीडिंग अप कब होता है, जब डायरेक्शन सेम हो, ठीक है, और डायरेक्शन अपोजिट होगा, एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब स्पीडिंग डाउन, यहाँ स्पीड क्या होगा, डाउन होगा। क्लियर बात? ठीक। तो अब ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है, इसमें यहाँ मेनली जो टास्क है तुम्हारा, फाइंड करना है कि भाई साहब यहां से लेकर यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ, मतलब पूरा देर तक कितना देर तक हवा में रहा, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है। दूसरा क्या बोलेगा, भाई साहब ये कुछ वेलोसिटी दे रहे, कितना ऊपर तक गया, मतलब इसका मैक्सिमम हाइट फाइंड करने बोलेगा, ठीक है। ये सारा कुछ फाइंड करेंगे भाई साहब किससे, अपना जो तीन फॉर्मूला है, सदाबहार तीन फॉर्मूला, देखो यहाँ पे जी क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है ना, और हम बताए थे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो कौन सा तीन फॉर्मूला यूज करेंगे, पहला एक्स इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दूसरा वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, तीसरा वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये तीनों यूज करेंगे। दोनों फॉर्मूला को ड्राइव कर चुके थे, इसको इसको भी ड्राइव करने और इसको ड्राइव करने के लिए होमवर्क दिए थे, कौन कौन किया है, क्या है घूम जाए, खाली पूरी और भुजा खाकर सूख जाती है की है ड्राइव, हाँ तुमको बोल रहे हैं, अच्छा तुमको नहीं दिए हैं, अच्छा किसको दिए थे भाई साहब, हाँ तुमको खाई बनाई है, नहीं आ रहा था, पूरी भुजा खाकर सूख जा करके, अरे भाई साहब इंटीग्रेशन से आराम से ड्राइव हो जाएगा ये, चलो कोई बात नहीं, हम ड्राइव कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब क्या है, ये क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मतलब एक जगह क्या लिखेंगे जी, एक जगह क्या लिखेंगे जी, अब जी का साइन पॉजिटिव देंगे नेगेटिव देंगे, साइन का बात देखो, साइन देखो यदि कोई चीज ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, यदि कोई इधर मूव कर रहा है तो भी पॉजिटिव, यदि इधर जा रहा है तो नेगेटिव, इधर जा रहा है तो नेगेटिव। अब बताओ कि ऑब्जेक्ट यहाँ यहाँ पे है, ग्रेविटी किधर लगता है, नीचे, ऑलवेज डाउनवर्ड, तो जी में क्या लगाएंगे, एक्सेलरेशन क्या लगाएंगे, एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे, ए कस टू माइनस जी, किसी को कोई दिक्कत नहीं, तो अब सब जगह जहां ए फॉर्मूला सब जगह माइनस जी लगा दो, एक्स इक्वल टू क्या हो गया यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक, वी स्क्वायर का जो हो गया यू स्क्वायर माइनस टू जी एस, वी कस टू यू माइनस जी टी, दिस इज द फॉर्मूला अंडर द ग्रेविटी, ठीक, बात समझ में आया, ठीक, बात क्लियर है। देखो जी का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव, बचपन में क्या पढ़ रहे हो, जी का वैल्यू हमेशा नेगेटिव लेना है, लेकिन जी का वैल्यू नेगेटिव भी ले सकते हो और पॉजिटिव ले सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन दी आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे तो सपोज करो, देखो जैसे करो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक, और हम अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे डिफाइन किए कि ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, हम ऐसे डिफाइन किए हैं अब कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो यहां पर जब जी है तो यहां पर क्या लिखेंगे, ए कस टू माइनस जी, ठीक, लेकिन हम बोले ना हम ऐसे डिफाइन करेंगे, मेरा मन नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव, मेरा मन हम ऐसे डिफाइन करेंगे, तब उस समय क्या लिखेंगे, ए कस टू प्लस जी, बात समझा, दोनों केस में आंसर सेम आएगा, दोनों केस में आंसर सेम आएगा, बात क्लियर है प्रिंस,
हम यहां पे डिफाइन करेंगे पॉजिटिव, हम नीचे लेंगे मेरा मन, तो उस समय एक अष्टो प्लस जी लेंगे। इसका मतलब जो अब जो बॉडी ऊपर जा रहा होगा उसको नेगेटिव लेंगे। जैसे मानो यू यहां पे मानो ऐसे है, तो यहां पे यू क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। अब बताओ यहां पे यू क्या लेंगे, प्लस लेंगे, क्योंकि ऊपर जा रहा था ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो ओवरऑल आंसर तुम्हारा चेंज नहीं होगा, ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन से दूर होने के लिए हम लोग जी को ऑलवेज नेगेटिव मानेंगे। ठीक, तो कुछ नोट्स लिख दो कि ऐसा काम करेंगे हम लोग। नोट्स में लिख देते हैं, यहां पर जो दिक्कत है तो नोट्स में पहला नोट्स का लिखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, या ऐसा ब्रैकअप कर दो वेट, हाँ क्या लगे, इज ऑलवेज डाउनवर्ड, या ब्रैकेट में लिख देंगे टुवार्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, टुवार्ड दी सेंटर ऑफ द अर्थ। तो हम क्या बोले, ये अर्थ है, ठीक, यदि ऑब्जेक्ट यहां पे है, मुन्ना यहां पे हाथ में बंदूक ले लिया, ठीक, मुन्ना है, तो मुन्ना पे जब वेट लगेगा वो क्या लगेगा, टुवार्ड दी सेंटर, इधर ऐसे, मुन्ना यहां पे आ गया सपोज, मुन्ना इस बार फूल ले ले मुन्नी को देने के लिए, ठीक मुन्ना, तो इस समय में मुन्ना ग्रेविटी किधर लगेगा, इधर लगेगा, ऑलवेज टुवार्ड द सेंटर, ठीक है, बस क्लियर है। ये तो मुन्ना यहां पे होगा उस समय ग्रेविटी ऐसे लगेगा, ऑलवेज टुवार्ड द सेंटर, ठीक, ये बात। लेकिन हम काइनेमेटिक्स में पूरा अर्थ नहीं बनाते हैं, सिंपली क्या करते हैं, एक फ्लैट सरफेस से बना देते हैं, ठीक, और यहां पे क्या है तुम्हारा ऑब्जेक्ट, मुन्ना है, मुन्ना कूद गया छत से, मुन्ना गिर रहा है, मुन्ना का फूल दिया, फूल फेंक दिया मुन्ना का, ठीक मुन्ना, तो अब मुन्ना गिर रहा था, मुन्ना गिर रहा तो क्या लगेंगे, डाउनवर्ड ऐसे लगाएंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन लगाएंगे एमजी, ठीक है, तो वही लिखेगा हमेशा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा डाउनवर्ड होगा, लेकिन पूरा धरती फोटो बना लगा था टुवार्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ होगा, ठीक है मुन्ना, कोई दिक्कत मुन्ना, मुन्ना का फूल नहीं लिया, लेकिन कोई बात है मुन्ना, तुम लगे रहो, कभी ना कभी तुम्हारा फूल एक्सेप्ट होगा, ठीक है, ठीक है। और दूसरा बात क्या, दूसरा पॉइंट क्या याद रखना पड़ेगा, रखना क्या है कि ऑलवेज टेक जी नेगेटिव, हमेशा जी को क्या रखो, नेगेटिव रखो, ठीक, जी को हमेशा नेगेटिव रखो, तुम लोग, हम नहीं रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको कंफ्यूजन नहीं होगा, तुम लोग हो सकता है कंफ्यूजन हो, सिर्फ जी को नेगेटिव रखो, जी नेगेटिव या पॉजिटिव डिपेंडिंग अपॉन दी योर सेट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, तुम कोऑर्डिनेट सिस्टम को कैसे डिफाइन किया इस पर डिपेंड करता है, ठीक है, हम बता दिए, लेकिन तुम लोग जी को हमेशा नेगेटिव लेना सुविधा होगा। जी का वैल्यू कितना होता है भाई साहब, जी का वैल्यू होता है माइनस लिखे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, यदि सोल्व को सोल्व करने के लिए तो -10 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि सवाल में ये दे दिया है तो यही लेना पड़ेगा, नहीं दिया तो ये भी ले सकते हो, ठीक, सवाल को आसान बनाने के लिए, ठीक है। और तीसरा बात, एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करना है, एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करना है, ठीक है, ये तीन बात ध्यान रखना होगा वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, चलो अब निकालते हैं, ठीक, चलो मुन्ना पत्थर फेंक रहा ऊपर, ठीक, ऐसे ऐसे फेंक रहा है मुन्ना, ऐसा पत्थर फेंका गिरा, ठीक, मुन्ना मानो कि यू स्पीड से फेंक रहा ऊपर, ठीक है, तो अब ऐसे गया पूरा लगा टाइम ऑफ फ्लाइट, हमको निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, हम थोड़ा सा चीजों को
थोड़ा क्लियर करने पे मुन्ना को हटा दे रहे हैं। ठीक है मुन्ना रोना मत, तुमको भी भगा दिए तो गुस्सा नहीं हो गया? ठीक, यहां से फेंके हैं अब बॉल को और ये ऊपर गया नीचे आया। ठीक, अब बताओ उसका कि इनिशियल पोजीशन y इनिशियल कितना है। मान लेते हैं एक पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे मान लेते हैं, ये हो गया y और ये हो गया x। ठीक, चलो y इनिशियल कितना है बताओ? जीरो है, जीरो है ना। और y फाइनल कितना है बताओ? ये भी जीरो है। ठीक, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट क्या है तुम्हारे यहाँ पे? y फाइनल माइनस y इनिशियल, दैट मीन्स जीरो माइनस जीरो इक्वल टू जीरो। ठीक ठीक, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक, नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं है, बस देख लो पढ़ाएंगे भी तुम लोगों को। ठीक है, ठीक, तो फॉर्मूला लगाएंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, एस जीरो यू यू टी की जगह क्या लिखेंगे? पूरा यहाँ से यहाँ आने में टाइम ऑफ फ्लाइट टी लगा। टी क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट। पूरा यहाँ से यहाँ आने में पूरा समय कितना लगा है? टी। ठीक है, तो देखो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ पे टी है, कोई दिक्कत? चलो इसको इधर ले आते हैं, जी टी स्क्वायर यहाँ पे हाफ है और यू टी, यहाँ से टी टी काट दो। ठीक है, चलो तो बचा क्या यहाँ पे? टी और ये टू इधर भेज देंगे, टू यू और जी को इधर भेज देंगे यू जी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इतना आ गया। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? टू यू बाय जी। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट का, टू यू बाय जी, कोई दिक्कत? टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया? टू यू बाय जी। चलो सपोज करते हैं कि यहां से यहां, यहां देखो, यहां बताओ यहां वी वाई क्या होगा? जीरो होगा। ठीक, ये जीरो है। हाँ, मानते कि यहां से यहां ऐसे आने में, यहां ऊपर जाने में टी वन टाइम लगा और नीचे से यहां आने में कितना लगा है? टी टू टाइम लगा है। ठीक, तो वो टी वन टाइम निकालना है। देखो तो क्या होगा, देखो वी कस्ट होता है यू प्लस ए टी। ठीक है, यहां फाइनल वी बोल देते हैं। तो देखो ये पहले टी वन टाइम की बात करें तो वी कितना है? जीरो है। यू की जगह यू होगा, ए की जगह माइनस जी होगा और टी की जगह क्या होगा? टी वन। टी की जगह क्या होगा? टी वन, कोई दिक्कत? सिंपल मैथमेटिक्स है, इसको इधर ले जाओ, हो गया जी टी वन प्लस टू यू। टी वन इक्वल टू क्या आ गया? यू बाय जी। टी वन क्या आ गया? यू बाय जी। ठीक, तो पूरा लगा है टू यू बाय जी, आधा लगा है यू बाय जी, तो बताओ टी टू कितना लगेगा? देखो टाइम ऑफ फ्लाइट आया है टू यू बाय जी। ठीक, टी वन आ गया है यू बाय जी और हमको पता है टाइम ऑफ फ्लाइट जो है टोटल टी, टी वन प्लस टी टू, ये आया है टू यू बाय जी, ये आया है यू बाय जी, इसको टी टू टी टू निकालेंगे क्या होगा? टू यू बाय जी माइनस यू बाय जी, सॉल्व करेंगे क्या आएगा? यू बाय जी। तो टी टू क्या आ गया? ये भी आ गया यू बाय जी, कोई दिक्कत? तो सिंपली क्या बताएं भाई साहब, ये हो गया धरती, ये रहा बॉल, इसको फेंके ऊपर, यहाँ गिरा नीचे, जाने में लगा टी वन यू बाय जी, नीचे गिरने में भी लगा टी टू यू बाय जी। ठीक, कोई दिक्कत? अब पूरा लगा, पूरा ऐसे लगा कितना? टू यू बाय। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है भाई तो बताना थोड़ा सा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं? चलो अब हमको पता करना है भाई साहब, ऐसा क्या? तो यहां से यहां तो मैक्सिमम हाइट कितना ट्रैक है? ये एच मैक्स, ये फाइंड करना है। ठीक, हमको ये पता है यहां पे स्पीड कितना होगा, पता तो जीरो, ये पता है यू, फॉर्मूला लगाओ वी स्क्वायर टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एस, वी स्क्वायर जीरो, यू स्क्वायर यू माइनस टू जी
और ये एस क्या है, एच मैक्स, ठीक। तो 2g एच मैक्स इक्वल्स टू यू स्क्वायर, तो एच मैक्स क्या हो जाएगा भाई साहब, यू स्क्वायर बाय 2g। कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत बा श्रुति, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, तुम्हारा नाम खुशी है ना, खुशी का कोई हीरोइन है कि नहीं है, ना हीरोइन है कोई खिलाड़ी भी नहीं है, ना? क्या बोला, लड़का बोल देता है, बोलता कुछ नहीं बोले, ठीक। अच्छा एक बात बता, तो ये पूरा जर्नी में किसी एक पॉइंट को बोल कितना बार पास करेगा, दो बार। तो बोलो ये पॉइंट है, मानो ऐसे बोल ऐसे गया और ऐसे वापस आ गया, इस पॉइंट क्या किया, दो बार पास किया, ठीक है, क्लियर है ना। हाँ यहाँ पे एक ही बार करेगा इस पॉइंट को, ठीक है। तो एक सवाल देखो बढ़ा, तो अच्छा देखो हम ऐसे इसको ऐसे बनाए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बॉल ऐसे गिर रहा है, बॉल ऐसे जा रहा है ऐसे गिर रहा है, तो हम यदि इसको ऐसे ऐसे बनाने तो फिर समझ में नहीं आएगा ना, इसलिए ऐसे बनाए हैं, बस समझ आ रहा है, ये ऐसे बनाए हैं इसका मतलब ऐसे नहीं है कि बॉल ऐसे गिर रहा है, बॉल ऐसे जा रहा है ऐसे गिर रहा है, ऐसे फेंके है ऐसे हो रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, निकालो तो निकालो, हमारा पुटिंग सवाल है, इसमें एक और कर देते हैं, इस वेलोसिटी भी निकालना पड़ेगा, निकाल लो वेलोसिटी एट, तो 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 क्या बात कर रहे, तो हमको बताओ क्या बात कर रहे हैं, बोलेंगे नहीं मांगे तो नहीं मांगोगे, मत मांगो, आज का ट्रेंड क्या है ना, नोट्स बनाएगा हरा पीला लाल गुलाबी चमकीला सब कलर का पेन यूज करेगा, हाँ उधर रंग रहा है इधर रंग रहा है, अरे भाई साहब नोट्स उतना ही प्रॉपर बनाओ जो तुमको समझ में आए, हैं तुमको याद थोड़ी है, सॉल्व करो, ठीक है वैल्यू
हाँ लो लो लो, आराम से लो, आराम से लो, नाच के लो, खा के लो, पी के लो। बड़ा हंसते है तुमने, चश्मिश दांत निकाल लेंगे और फिर बेच देंगे, दांत निकाल लेंगे। तुम्हारे हाथ में क्या हो गया? क्या लहसुन है? बोला जल गया। क्या क्या बनाता है तुम लोगों ने? डुट डुट डूबा दरिया में रात, ये देखो तुम। ठीक है, देखो 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 देखो, तुम लोग बहुत बात करता, बहुत लफंडर सब है तुम लोग, लफंडर सब। देखो देखो सॉल्यूशन देखो, पहला तो बहुत आसान है भाई साहब, पहला तो बहुत आसान है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर्मूला टू यू बाय जी, ठीक। टी का लगा यू, आया 10, नीचे आएगा 10, कटेगा 2 सेकेंड। दूसरा नंबर तो तीसरे नंबर पर बनाता था, दूसरा बनाएंगे। वेलोसिटी निकालना है एट एक्स इक्वल्स टू 3 मीटर पे। फॉर्मूला क्या होगा भाई साहब? वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2g वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल, ठीक। वी स्क्वायर यू स्क्वायर दिया हुआ है 10 का स्क्वायर 100, 2 × 20 3 − 0, ठीक है। इनिशियल है वाई, इनिशियल है 0 और वाई फाइनल कितना है यहाँ पे 3। चलो सॉल्व करो भैया, सॉल्व करो, सॉल्व करो। वी स्क्वायर क्या गया 100 और यहाँ से कितना आ गया भाई साहब 60, तो वी स्क्वायर 40, वी आ गया रूट अंडर 40 प्लस माइनस। तो दो आया वेलोसिटी, एक वेलोसिटी आया है वी प्लस वी कस टू प्लस रूट अंडर 40 और एक आया वी कस टू माइनस रूट अंडर 40। तो क्या हो रहा है, जब बोल यहां पे ऊपर जा रहा था उस समय हो गया वी प्लस 40, जब बोल नीचे जा रहा था उस समय स्पीड कितना होगा भाई साहब? माइनस 40, ठीक है। प्लस माइनस सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, क्लियर है? क्योंकि एक पॉइंट पे यहाँ पे दो यहाँ था और जब ऊपर जा रहा था उसमें कितना रूट अंडर 40 प्लस, यहाँ जब था नीचे जा रहा था उस समय कितना हो भाई साहब? माइनस रूट अंडर 40। कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत? टाइम निकालो, टाइम टाइम कैसे निकालेंगे भाई साहब? दूसरा नंबर फॉर्मूला वाई माइनस वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल इक्वल टू एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ माइनस यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक। टाइम निकालना है ना, ये वाई फाइनल 3 है 0, यू 10, ये टी यहाँ पे हो गया हाफ, ये हो गया 10, ये हो गया टी स्क्वायर, काटो 5। तो क्या हो गया भाई साहब? 5t² - 10t + 3 = 0। क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन आया है, सॉल्व करो। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन फॉर्मूला पता है ना? पता कि नहीं पता बच्चा? टी का क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। पुट करके सॉल्व कर दो या ऐसे ठीक। देखो ना क्या हो, टी का क्या आ जाएगा भाई साहब? माइनस बी, माइनस बी कितना हो गया? तो माइनस बी हो गया माइनस 10, तो हो गया प्लस 10, प्लस माइनस रूट अंडर 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4, ए कितना है 5 और सी कितना है 3 डिवाइड बटा 2 × 5। तो क्या हो गया? प्लस 10 प्लस माइनस रूट अंडर 5 का 20 दिया 60, तो क्या 40 / 10,
सॉल्व कर दो, यही हो गया आंसर। हाँ हाँ इतना ही होगा। ठीक है, तो भी समय भी दो आ गया, एक प्लस आ गया, एक माइनस आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? दिक्कत बा कबल, दिक्कत बा, दिक्कत दिक्कत। ठीक, चलो मुन्ना वो फिर लाते हैं। मुन्ना डीएनबी का छत पे खड़ा है, डीएनबी है। ठीक, मुन्ना यहाँ से पत्थर मार रहा है, मुन्ना पत्थर से फेंक रहा है। ठीक है, तो मुन्ना यहाँ से पत्थर फेंका, ऐसे गया, ऐसे गिर गया। ठीक, मुन्ना कितना मीटर पे है यहाँ से? यहाँ तक है 100 मीटर, पूरा हाइट पे खड़ा है और ऊपर फेंक रहा है किसी स्पीड से, तो यू कस्टू ले लो मानो 10 मीटर पर सेकंड से फेंक रहा है। तो बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट दूसरा बताओ कि भाई साहब मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा, एच मैक्स कितना होगा बताओ। तू दरिया बताओ बताओ, नहीं बनेगा? वही फॉर्मूला तो बताएं, दो तीन को फॉर्मूला बताओ, वही फॉर्मूला सारा सवाल बनेगा। चलो देखते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। ठीक है, तो दो दो पार्ट में सॉल्व करते हैं इसको। पहले एक है कि बॉल यहां से गया और ऐसे आया, और दूसरा है बॉल यहां से फिर यहां से यहां तक आया। ठीक, तो ये तो देख रहा है, ये वाला भी बताए हुए हैं मोशन। इसमें क्या होगा? टी कस टू टू यू बाय जी, टू यू बाय जी। ठीक, तो टू हो गया, यू कितना भाई साहब? 10/10, 2 सेकेंड। तो यहां से जब बॉल यहां से यहां आ गया तो उस समय हो गया 2 सेकेंड। ठीक है, अब यहां से यहां तक 100 मीटर है, ये कितना है? 100 मीटर। यहां पे स्पीड बताओ कितना होगा? तो 20 से फेंक रहे, 10 से फेंक रहे, सॉरी। यहां पे होगा 10 मीटर पर सेकेंड, निकाल कर देख लो कितना लोग। यहां पे क्या है देखो, यहां वी जीरो है और यहां पे हमको वी निकालना है। वी कस होता है यू प्लस यू माइनस जी टी। ठीक, पूरा टाइम अप्लाई 2 सेकेंड है, तो यहां पे 1 सेकेंड होगा ऊपर जाने में, 1 सेकेंड नीचे आने में। ठीक, तो वी कस्टू क्या गया? यू, यू कितना है? जीरो। यहाँ गया जी, जी कितना हो गया? 10। और समय कितना है? 1। तो वी कस्टू क्या गया? -10 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? दिक्कत। ठीक, तो यहां पे हो गया भाई साहब, अब बताओ यहां पे निकालो। एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, एस दिया है 100, यू है तुम्हारा कितना? -10। समय कितना लग रहा है? समय तो निकालना है, -1/2। जी कितना है? 10 टी स्क्वायर। सॉल्व करो, 100 यहां आ गया, अगर -10 टी, उसको सॉल्व करो यहां से, -5 टी स्क्वायर। तो हो गया क्या बताओ? इसको धर लेंगे 5t² + 10t + 100 = 0। सॉल्व करो, यहाँ t निकालो तो निकलेगा, यहाँ तो t निकालो। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से t निकालोगे और दोनों t को जोड़ दोगे तो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा।
एचमैक्स कैसे निकालेंगे? एचमैक्स क्या हो जाएगा? 100 मीटर हो गया, बस इतना निकालना हमको ये। और एचमैक्स का क्या फॉर्मूला निकाले देखो तो, निकाले कि नहीं निकाले भाई साहब? ये यू स्क्वायर बाय 2g, बताओ क्या हुआ यहाँ पे? देखो तो बॉल यहाँ से ऐसे गया, ऐसे गिरा है, इतना दूर हो गया तुम्हारा ये, इसके इतना दूर का फॉर्मूला हमको पता है, कितना पता है एच का? यू स्क्वायर बाय 2g, यू हो गया 10 का स्क्वायर, 100 बाय 2 × 10 कट गया, तो क्या गया 5 मीटर। तो यहाँ ये निकल गया 5 मीटर, यहाँ से यहाँ कितना है? 100 मीटर है। तो टोटल एच मैक्स कितना हो जाएगा? एच प्लस 100 मीटर, तो 5 प्लस 100 मीटर, 105 मीटर। कोई दिक्कत समझ में आया? अरे नहीं आया तो बोलना, सही में सुरती आया नहीं आया है? कुछ नहीं किया भाई, तो यहाँ देखो नहीं आया तो बोलो ना। ये सवाल को दो टर्म में तोड़े हैं, दो पार्ट में तोड़े हैं, एक इतना दूर और फिर नीचे का कहानी। इतना दूर का कहानी हम पढ़ चुके हैं, ऊपर में इतना दूर कहानी पढ़ चुके हैं ना, कि यदि बॉल यहाँ से ऐसे फेंकेंगे तो यहाँ आएगा, तो बताओ एच मैक्स कितना होगा? क्योंकि फॉर्मूला था यू स्क्वायर बाय 2g, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? 2u/g। ठीक, तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से यहाँ तक निकाल लिए, कितना निकला है? 2u/g से 2 सेकेंड निकला। तो हम बताए थे भाई साहब जितना जाने में लगता उतना आने में लगता, मतलब 1 सेकेंड ऊपर लगेगा 1 सेकेंड नीचे लगेगा। हम निकाले थे u/g निकाले थे ना, u/g भी था, u/g भी था, तो 2u/g हो गया था दोनों जोड़ने पे। तो दैट मीन्स ये 1 सेकंड होगा, ये भी 1 सेकंड होगा। ठीक, यहाँ से हमको यहाँ का, अब देखो हमको यहाँ तक का पता चल गया कहानी कि 2 सेकंड है। अब यहाँ से यहाँ तक का कहानी पता करना है, तो यहाँ से यहाँ तक का कहानी पता करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे s = ut + ½at² और कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं? और फॉर्मूला नहीं लगा सकते। एक फॉर्मूला है v² = 2u² + 2as। v² भी नहीं पता है, यहाँ v कितना है ये नहीं पता है। ठीक, तो फॉर्मूला नहीं लगाते। एक फॉर्मूला है v = u + at भी नहीं पता, तो फिर ये नहीं लगा सकते हैं, वो भी नहीं लगा सकते। बस गया तीसरा फॉर्मूला जो है s = ut + ½at² यही लगा सकते हैं, क्योंकि s पता है 100 मीटर। तो 100 मीटर यहाँ यूज किए, अब u कितना होगा ये पता करना पड़ेगा, यही u है ना। तो जो जितना तो ऊपर भेजेंगे ना उतना से नीचे यहाँ पे भी उतना ही आएगा, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस नेगेटिव करे हुए हैं, तो यहाँ पे 10 ही आएगा, माइनस का 10। ठीक, विश्वास नहीं तो यहाँ निकाल भी दिए, यहाँ पर निकाल भी दिए। देखो यहाँ v 0 है, यहाँ पे निकालना है 1 सेकंड ऑफ ट्रेवलिंग है, v = u - gt, g पुट कर दिए। अब s = ut + ½at² है, s दिया हुआ है, u निकाल लिए हैं, a दिया हुआ है, सॉल्व कर दो। यहाँ से t सॉल्व करना तुम्हारा काम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व आराम से हो जाएगा। ठीक, अब ये t + ये t दोनों को जोड़ दो ना, वही टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। एच मैक्स निकालना भाई साहब, तो पहले आपको ये डिस्टेंस पता करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस कितना है, तो उसके लिए फॉर्मूला लगा दी u² / 2g। फिर अब ये डिस्टेंस वो पता है ऑलरेडी 100 मीटर, तो पूरा ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, पूरा डिस्टेंस हो गया एच मैक्स, हो गया ना, पसंद आ रहा है वही के, कोई दिक्कत? चलो एक सवाल करवाते हैं, फ्री फॉल का सवाल। फ्री फॉल का क्या मतलब होता है भाई साहब? फ्री फॉल मतलब था मोशन अंडर द ग्रेविटी। आराम से इसे बोल ऐसे लिए, इसको ऐसे लिए और इसको आराम से छोड़ेंगे, कोई स्पीड नहीं देना है, ऐसे छोड़ देना है, ये हो गया फ्री फॉल। ठीक है, मोशन अंडर द ग्रेविटी। ठीक, फ्री फॉल मतलब हुआ मोशन अंडर द ग्रेविटी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इसमें 0 होना चाहिए। ठीक, याद रखना पड़ेगा इनिशियल वेलोसिटी ऐसे 0 डालेंगे इसे। ठीक, फ्री फॉल हो गया, फ्रीली छोड़ दो फ्री फॉल। ठीक, इसमें अब सवाल इस प्रकार है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, इन लोगों को भी करवाए थे एक बार। ठीक, एक बॉल है, देखो भगवान का करिश्मा दिखाते हैं, एक बॉल है। अब ये बॉल को छोड़ा गया यहाँ से अंडर द ग्रेविटी, फ्री फॉल किए, तो अब ये 1 सेकंड में कितना दूरी तय करता है? अगला सेकंड जो है, नेक्स्ट सेकंड, यार क्या हो रहा है, दिमाग इरिटेट कर रहा है हमको। ठीक है, उसका अगला सेकंड हाँ, वो ये सब डिस्टेंस पता करना, बताओ इसको S1 बोल दो, इसको S2 बोल दो, इसको S3 बोल दो, इसको S4 बोल दो।
ये सारा डिस्टेंस। तो अब इसके लिए लोग क्या करेंगे भाई साहब, सिंपल है, एस वन निकालो, एस वन तो क्या होगा भाई साहब, यू क्या है, जीरो, यू क्या है हमारा, जीरो, तो एस वन क्या होगा भाई साहब, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू जीरो है तो ये खत्म हो गया, एस वन तो क्या हो गया हाफ, एक जगह क्या डालेंगे, जी टी स्क्वायर, ठीक है सर, जी नेगेटिव क्यों लिए, हम मान लेते हैं जी नीचे पॉजिटिव मान लेते हैं, मेरा मन ठीक, जी हम पॉजिटिव माने नीचे, तो एस वन क्या डिस्टेंस हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर, टाइम पता है वन, वहां वन का स्क्वायर कर दो, तो एस वन क्या आ गया भाई साहब, जी बाय टू, कोई दिक्कत, एस वन कितना आ गया है, जी बाय टू, अब वो एस टू निकालना है, एस टू कैसे निकालेंगे, देखो ये टोटल निकाल के इस टोटल में डिवाइड कर माइनस कर देंगे, ये टोटल निकालो इसमें ये माइनस कर दो तो ये आ जाएगा, ये पर टोटल में से ये माइनस कर दो तो ये आ जाएगा, ये टोटल का कितना सेकंड है, टू प्लस टू टू, सॉरी वन प्लस वन टू सेकंड है, तो पहले क्या करो एस, पहले तो ये दो कैसे एस टू निकाला, कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे तो यहां से यहां तक बोल देते हैं, यहां से यहां तक बोल देते हैं, क्या डी टू बोल देते हैं या डी बोल देते हैं, चलो डी, तो डी में से एस वन माइनस करेंगे, एस टू क्या होगा, डी में से एस टू एस वन माइनस करेंगे, कोई दिक्कत, डी में से एस वन माइनस किए, अब डी निकालो पहले, यहां डी निकालते हैं, तो डी पूरे डी में कितना टाइम लगा रहा, वन प्लस वन टू सेकेंड, तो डी का तो क्या हो गया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये खत्म, डी यहां से हो गया हाफ, ए हो गया टेन या जी रहने देते हैं, और ये हो गया तुम्हारा टू का स्क्वायर फोर, कितना आ गया टू जी, तो जी कितना आ गया, डी कितना आ गया है टू जी, ये आ गया देखो टू जी, अब माइनस जी बाय टू, सॉल्व करो क्या आएगा, थ्री जी बाय टू, ठीक, कोई दिक्कत, अब एस थ्री निकाल दे, देखो एस थ्री, एस थ्री के लिए क्या करेंगे, ये पूरा में से इतना माइनस कर देंगे, इस पूरा में से इतना माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत, तो इस पूरे को बोल देते हैं, अरे भाई साहब यहां है यहां से यहां तक, इस पूरे का नाम दे देते हैं, मान लो कुछ क्या नाम दे देते हैं, डी वन बोल देते हैं, तो डी वन में से डी माइनस करना पड़ेगा, क्लियर है, ये क्या होगा तुम्हारा, डी वन में से डी माइनस करना पड़ेगा, डी तो पता है भाई साहब, डी ऑलरेडी निकाल चुके हैं टू जी, डी वन निकालते हैं, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये कट गया जीरो होगा, डी वन इक्वल टू हो गया तुम्हारा हाफ जी टी, कितना होगा बताओ, वन वन वन, तीन सेकेंड टोटल, तीन का स्क्वायर कितना हो गया, नाइन बाय टू जी, यहां पे क्या हो गया भाई साहब, नाइन बाय टू जी, और यहां मैं लोग कितना है डी, कितना है टू जी, तो निकालेंगे आएगा फाइव जी बाय टू, अब तुम निकाल के देखना एस फोर, तुम निकाल के देखना वो आएगा कितना है बता दो, सेवन जी बाय टू, ठीक है, तो हो क्या रहा, देखो यार देखो, वन वन थ्री फाइव सेवन, अगला क्या आएगा, नाइन जी बाय टू, उसका अगला इलेवन जी बाय टू, उसका अगला थर्टीन जी बाय, ओड नंबर के टर्म में आ रहा है, देखो भगवान को ओड नंबर कितना पसंद है, तो इसे इसे इसको नीचे गिराना था, भगवान को बोला कि भाई साहब गिराना, तो किस एक सेकंड में कितना डिस्टेंस बोलेंगे, चलो ओड नंबर बड़ा बढ़िया, लो ओड नंबर का मल्टीपल कर दो, देखो हमेशा ओड नंबर के मल्टीपल में आ रहा है, इसका क्या मतलब हो गया, कहाँ चल गया, इसका मतलब ये हुआ कि बोल है तो पहला सेकंड यहां से ये दूरी बताओ जी बाय टू, ये दूरी बताओ, एक एक सेकंड ले रहे हैं आप, एक सेकंड थ्री जी बाय टू, फाइव जी बाय टू, सेवन जी बाय टू, नाइन जी बाय टू, जहां तक जाना है चलते रहो, ठीक, वन सेकंड यहां भी, वन सेकंड यहां भी, वन सेकंड, यदि सब पहले यदि इसको बोल देते हैं डी वन डी टू, इसको बोल दो डी थ्री, इसको बोल दो डी फोर, और इसको बोल दो डी फाइव, यदि हम रेशियो निकालते हैं डी वन रेशियो डी टू रेशियो डी थ्री रेशियो डी फोर रेशियो डी फाइव रेशियो, क्या आएगा, वन इज टू थ्री इज टू फाइव इज टू नाइन इज टू इलेवन इज टू, लेते चलते जा, तो क्या आ रहा है रेशियो, किसके टर्म में आ रहा है, सब ओड नंबर है, देखो सारा क्या है ओड नंबर है, तो एक वे बॉल गिरा रहे, एक बॉल फ्री फॉल करा रहे, तो तुम देख रहा है जो जिसका डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है ओड नंबर के रेशियो में हो रहा है, कितना इंटरेस्टिंग है,
अब यहां से गिर रहा है तो किसे किसके टर्म में गिर रहा है, तो पहला संकेत चलेगा जी बाई टू, अगला टू थ्री जी बाई टू, उसका अगला फाइव जी बाई टू, उसका रेशियो क्या होगा, ओड नंबर का रेशियो होगा, होगा ना। वेन पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट एच, यदि एच हाइट से एक पार्टिकल को ड्रॉप किया गया तो उसमें हम लोग क्या क्या फाइंड करते हो, देखो यहाँ पे बिठाते हैं मुन्ना को और ऐसे करके बोल यहाँ से गिरा रहा है, और मुन्ना कितना हाइट पे है, एच हाइट पे, ठीक है, कौन है मुन्ना है, ठीक। तो हमको फाइन करना है कि जब मुन्ना गिर आया तो यहां पे जैसे बॉल हिट किया, वेलोसिटी जस्ट हिटिंग, जस्ट हिट किया है वहां पे ग्राउंड को, उस समय कितना वेलोसिटी हुआ होगा, ठीक है, फाइन करना है वेलोसिटी ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ठीक है, ठीक। तो हम मान लेते हैं नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है, नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेते हैं, क्या हुआ मुस्कुरा रहा, क्या बात है, ठीक है सॉल्व करते हैं, चलो v स्क्वायर प्लस टू क्या होगा, u स्क्वायर प्लस टू ए एस, v स्क्वायर क्या होगा बताओ, यही निकालना है, u जीरो है, ये टू कितना हो गया टू, और नीचे का जी, जी पॉजिटिव लेंगे, क्यों लेंगे, तो नीचे का डायरेक्शन का पॉजिटिव लिए हैं, सो जी पॉजिटिव ले रहा है, ठीक है, v को ये पॉजिटिव लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि नीचे का डायरेक्शन है, चलो, और s क्या हो गया तुम्हारा h, तो यहाँ पर v स्क्वायर का तो क्या हो गया टू जी एच, तो h निकालना था हमको ना, नहीं वी ए निकालना था, ये वी ए तो निकालना था, वी का हो गया रूट अंडर टू जी एच हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है, अब टाइम कितना हो बता तो दूसरा, टाइम टेकन बाय बॉल टू रिच, टू रिच द ग्राउंड, निकाल लोगे, वी को से यू प्लस एटी लगाओ ना निकल जाएगा, वी कस टू यू प्लस एटी लगाओगे तो वी क्या हो गया माता, ये निकाल लेंगे वी अंडर टू जी एच, और यू जीरो है और ए कितना है भाई साहब जी है, और ये रहा टी, ठीक है, टी कस टू क्या हो गया भाई साहब रूट अंडर टू जी एच, अंदर में जी स्क्वायर, ये कट गया, टी कस टू क्या गया रूट अंडर टू एच बाय जी, हाँ? अरे ये जी है ना, जी को रूट के अंदर डालेंगे तो जी स्क्वायर नहीं लिखना पड़ेगा, जी को रूट, जैसे मानो ये जी है ऐसा है, तो रूट अंडर टू जी एच है ना बाय जी ऐसा है, अब इसके पूरा रूट चढ़ाना पड़ेगा तो अंदर जी स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है ना, जी को बाहर निकालेंगे तो ये जी स्क्वायर को बाहर निकालेंगे, समझ में आ रहा है ये बात, किसी चीज को जब रूट में डालते हैं ना, जैसे मानो ए है उसको रूट के अंदर घुसाएगा तो ए स्क्वायर करना पड़ता है, ठीक है, तो बोल रहा है कि वाटर ड्रॉप हो रहा है कहां से, वो टैप से, ठीक है, इंटरवल दिया हुआ है एक सेकेंड, ठीक है, जैसे ये हो गया तुम्हारा नल बना देते हैं, ठीक है, है क्या बना दिए,
ठीक, इसे वाटर बोल रहा है क्या, ड्रॉप कर रहा है, और कितना इंटरवल में, एक सेकंड, मतलब एक सेकंड में एक वाटर ड्रॉप कर रहा है, दूसरा सेकंड दूसरा वाटर, और बोलता है क्या बताओ क्या डिस्टेंस बिटवीन थर्ड और फोर्थ ड्रॉप क्या होगा, कब, जब सेवन ड्रॉप निकल चुका है, तो सात ड्रॉप निकाल देते हैं, एक ड्रॉप यहां हो गया, दो ड्रॉप, तीन, चार, पांच, छ, सात, सेवन ड्रॉप, दिस इज द फर्स्ट ड्रॉप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, और सेवन ड्रॉप जस्ट निकला है अभी, ठीक, तो बोल रहा भाई सब डिस्टेंस निकालो, किसमें, थर्ड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप, एक दो, ये हुआ थर्ड ड्रॉप और फोर्थ ड्रॉप, इन दोनों का बीच का दूरी बताओ कितना होगा, तो सिंपल है भाई साहब, यहां से यहां तक का दूरी देख लो डी, फिर यहां से यहां तक का दूरी डी वन बोल देते हैं, तो डी से डी वन माइनस कर देगा तो निकल जाएगा ये, इसको एस बोल देते हैं, चलो एस, ये एस है, तो एस निकालना है हमको, तो डी से डी वन माइनस कर दो भाई साहब, डी तो डी निकालो, डी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, मतलब समय कितना लगेगा, जो इन दोनों के बीच में कितना समय लग रहा है, एक सेकेंड, यहां भी एक सेकेंड, इन दोनों के बीच में भी एक सेकेंड, ठीक है, इन दोनों के बीच में भी एक सेकेंड, तो टोटल कितना सेकेंड हो गया, चार सेकेंड हुआ, चार सेकेंड, तो इसके लिए समय कितना लग रहा है, चार, ये जीरो प्लस यू जीरो है हाफ, ए कितना है जी टेन, और ये हो गया चार का स्क्वायर, हो गया हाफ इंटू टेन, और चार का स्क्वायर कितना हो गया सोलह, ये कट गया पांच, अस्सी हो गया, कोई दिक्कत, अब बताओ ये कौन मारे है जी, अब जो ये, अब ये डिस्टेंस D1 कितना टाइम है, वन टू थ्री, D1 में कितना टाइम है, तीन, तो D1 इक्वल टू क्या होगा, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये जीरो, हाफ ए कितना है भाई साहब टेन, और ये कितना हो गया भाई साहब T, थ्री सेकेंड, तीन सेकेंड का स्क्वायर, ये कट गया पाँच, हो गया पाँच इंटू नौ, कितना हो गया पैंतालीस, तो इसीलिए S कितना हो जाएगा भाई साहब, D माइनस D1, अस्सी माइनस पैंतालीस, कितना हो गया पैंतीस मीटर आंसर आ गया, बात समझ में आ गया, मतलब क्या कि डिस्टेंस बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ ब्लॉक, थर्ड और फोर्थ में दोनों के बीच दूरी कितना है, पैंतीस मीटर, कोई दिक्कत सवाल में, आसान सवाल था ना श्रुति, ठीक, इसमें क्या बोलते हैं, एक पार्टिकल है जिसको हम लोग ऊपर फेंके हैं, अरे क्या डिस्टर्ब कर रहा तुम, मार उड़ नहीं दो, मार दो फिर बोलो, पहले मार दो फिर आगे बोलना कि सर मार दिए तब, ठीक, एक पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड विद द वेलोसिटी, इतना इतना वेलोसिटी से ऊपर फेंक रहा है इसे, ठीक, और सरफेस से, बताओ भाई साहब डिस्टेंस ट्रेवल कितना करेगा, टू फोर सिक्स सेकेंड में, सिंपल सवाल है, यहां से इस बॉल को ऊपर फेंका गया है, कितना स्पीड दिया हुआ है, 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, तो बताना है पहले क्या डिस्टेंस टू सेकेंड में कितना ट्रेवल किया, बता दो, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू कितना है 30, समय टू प्लस हाफ जी का वैल्यू 10, ठीक है, और समय 4, सॉल्व करो, ठीक है, जी को माइनस लेना है, एक का क्या है माइनस जी, हम क्या बोल रहे हैं कंफ्यूजन से दूर होने के लिए हमेशा जी को माइनस लेना, ठीक है, तो कितना आ गया आंसर, यह कर गया टू, तो हो गया साठ में से पीस गया चालीस, ठीक, टू सेकेंड निकल गया, अब बोलता है फोर सेकेंड निकाल लेगा, सिक्स सेकेंड निकाल लेगा, ठीक, अब बोलता है वेलोसिटी एट फाइव सेकेंड बताना है, वेलोसिटी एट फाइव सेकेंड, दूसरा नंबर, वी का सू क्या होता है, यू प्लस ए टी,
वी कस यू कितना दिया है 30 माइनस जी, जी कितना है 10 और 5, तो कितना है 30 माइनस 50 माइनस 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, निकाल लो मनो, और सवाल दम नहीं है कुछ, सब फॉर्मूला पुटिंग सवाल है। ठीक है, ये बोलता है डिस्टेंस निकालना है लास्ट 5 सेकेंड पे अपवर्ड जर्नी, नहीं लास्ट 1 सेकेंड, अंतिम का 1 सेकेंड में कितना जर्नी करेगा। ठीक है, एक फॉर्मूला मारा था एस एन इक्वल टू क्या था, यू प्लस ए बाय टू टू एन माइनस ए बाय टू टू एन माइनस वन। ठीक, तो लास्ट सेकेंड कौन सा होगा बता दो, इसे यहां से बोल जाएगा ऊपर, तो कितना सेकेंड में जाकर ऊपर आ जाएगा, यहां पर रुक जाएगा, समय निकालो तो वी कस टू यू प्लस एटी, यहां हो गया जीरो, ये हो गया यू 30 और यहां हो गया माइनस 10 इंटू टी, तो टी क्या आ गया 3 सेकेंड। ठीक है, ठीक है आ गया, मतलब यहां से यहां पर जाने में कितना सेकंड लग रहा है 3 सेकंड, तो हमको निकालना है थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस तय करेगा। तो ये पता है ना, ये फॉर्मूला बताए थे एन एस सेकंड के लिए, ये फॉर्मूला बताए थे, तो यहां एन इक्वल टू क्या डालेंगे 3, पुट करो तो यहां पे यू कितना है 30 प्लस जी है 10 माइनस 10 बाय 2 और 2 इंटू 3 माइनस 1, तो क्या गया 3 माइनस 5 और कितना गया 3 दुना 6 में से गया 5 25, 30 में से एक गया 5 गया कितना गया 25 5 मीटर। ठीक, कितना है आंसर 5 मीटर। अच्छा एक काम करो देखो, ठीक है आ गया, देखो सपोज करो कि कुछ हम डाटा चेंज करते हैं, यहां ले देते 40 मीटर पर सेकेंड, अब बताओ कि लास्ट का 1 सेकेंड जो है लास्ट सेकेंड इसमें कितना डिस्टेंस तय करेगा बता दो, पता करना पड़ेगा कितना डिस्टेंस तय, कितना समय लगा पूरा चलने में, तो वो कितना लगेगा बताओ, टी का क्या था यू बाय जी, तो 40 बटा 10 कितना हो गया 4 सेकंड पूरा लगा, तो एन कितना निकले यहाँ पे 4 सेकंड। ठीक है, आप दो निकालते हैं फॉर्मूला क्या था, ऐसे करो यू प्लस ए बाय टू टू एन माइनस 1, यू कितना है 40 माइनस 10 बाय 2 2 इंटू 4 माइनस 1 कितना हो गया 40, यहाँ हो गया 5, 4 2 8 में से गया 9, 9 5 4 2 8 7 होगा ना, 9 35 7 5 7 5 कितना आया था दोनों वाली इससे फिर अलग अलग है, आंसर सेम आ रहा है, तो क्या कन्फ्यूजन निकला कि इनिशियल स्पीड कुछ भी हो लास्ट का जो 1 सेकेंड का दूरी है हमेशा 5 मीटर होगा, लास्ट का 1 सेकेंड कितना मिनट तय किया होगा 5 सेकेंड 5 मीटर हमेशा, यहां पर कुछ भी स्पीड से फेंकेंगे उसको, जो लास्ट का 1 सेकेंड का दूरी होगा हमेशा क्या आएगा 5 मीटर आएगा, और हम दो सवाल करके तुमको दिखा भी दिए, यहां भी 5 मीटर आ रहा है यहां भी 5 मीटर आ रहा है, वैल्यू और कुछ भी डाल देना तुम इनिशियल स्पीड हमेशा क्या आएगा 5 मीटर ही आएगा आंसर, तो लिख सकते हैं यहां पे नोट में लिख दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट में, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट सेकेंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ किसका इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होगा, That means तुम इसमें यहां पे डाल दो 5 मीटर पर सेकंड डालो
या 5 करोड़ मीटर पर सेकंड डालो। लास्ट का जो 1 सेकंड का दूरी होगा वो हमेशा कितना होगा, 5 मीटर होगा, ठीक है। एंड इट इज ऑलवेज इक्वल टू द 5 मीटर। कोई दिक्कत समझ में आया बात, ये कैलकुलेशन समझ में आया, ठीक। चलो ठीक, अब ये तुम्हारा खत्म हो गया। एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है इस चैप्टर में, ग्राफ्स, ठीक। ग्राफ थोड़ा बहुत बताए भी थे, पोजीशन का ग्राफ बताए थे, वीटी ग्राफ बताए थे, फिर से बता देंगे एक बार, ठीक। ये टॉपिक, ये चैप्टर खत्म, ठीक। कोई दिक्कत?